Good afternoon, students. Now we start our today lecture with the name of Allah. I hope आपकी और आपकी family की ईद अच्छी गुजरी होगी. Now we start our today lecture. So open page number 104. Last में लोगों ने 6.5 के last lecture में before ईद. ठीक है, हम लोगों ने 6.5 के first 10 questions जिसमें formula a square minus b square था, उसके according उस 10 questions को हम लोगों ने solve किया. बारह में एक बार रिपीट कर दूँ, जब भी आप लोगों को फैक्टराइजेशन या सॉरी हाँ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो उसका मेथड तीन होते हैं. फर्स्ट आप लोगों ने कॉमन लेना होता है, नेक्स्ट आप लोगों ने फार्मूला कंप्लीट करना होता है या पुट करना होता है. ठीक है, राइट हैंड साइड गिवन हो गया, आप लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट गिवन होगी तो राइट साइड की फॉर्म में लिखेंगे. सेकेंड हो गया फार्मूला का, थर्ड में हम लोग प्रोडक्ट वाला मैथड करते हैं. लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइजेज में जस्ट कॉमन आप लोगों को सिखाया गया था, आप लोगों ने सीखा है. आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, आप लोगों को आ भी क्या होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आप 6.4 और 5 में आप लोगों ने फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर 6.4 तक पुट किया. अब जो हम लोग एक्सरसाइज लेक्चर्स में स्टडी कर रहे हैं वो है 6.5, जिसमें हम लोग फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसमें किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जा सकता है. तो आप लोगों ने फार्मूला कैसे इसमें पुट करना है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन तो जस्ट सिंपल थे, किसी में कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद ही फार्मूला पुट करना था. लेकिन यहाँ पे जो अभी क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, एक्स माइनस 9/5 होल स्क्वायर माइनस 36/25 वाई स्क्वायर. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप लोग फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर ले लें, सेकेंड टर्म को बी स्क्वायर बना दें. स्क्वायर कैसे, 36 का भी स्क्वायर बनता है 6 और 25 का भी स्क्वायर बनता है 5. ठीक है, इससे जो बी स्क्वायर बन रहा है आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, अब हम लोग इसे राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी. ये नहीं है कि आप पहले प्लस लिख दें फिर माइनस, यह आप अपनी मर्जी है, चाहे आप पहले माइनस लिखें चाहे पहले आप लोग प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है. आप शायद पहले प्लस वैल्यू लिख सकते हैं, बाद में माइनस वैल्यू लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए या 3 को 2 से, आंसर तो सेम ही आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब हम लोगों ने ये देख लें, आप ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल सा था, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन दे दिया गया था. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. अब 12 क्वेश्चन में देखें, हमारे पास 25 × x + 5/4 होल स्क्वायर माइनस 16 × x + 4 होल स्क्वायर. अब इसका कैसे हम लोग स्क्वायर बनाए, उसमें कैसे फार्मूला रिपुट होता है नहीं, आप लोग तो यही सोच होंगे जब फर्स्ट टाइम आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हो सकता है. अब देखिए 25 को हमने ने स्क्वायर लिया तो 5 बन गया, जो इस स्क्वायर के साथ ऐड कर लिया तो ये पूरी टर्म हमारे पास एक आ गई. इधर से 16 का स्क्वायर बनता है 4, इसका जब हम लोगों ने पूरी टर्म का स्क्वायर ले लिया, ये पूरी टर्म ए हो गई, ये पूरी टर्म बी हो गई. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी फॉर्म के बना फार्मूले का, हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लिखना है इसको. आप देख सकते हैं 5 × x + 5/4 प्लस, यानी कि ए प्लस बी, ये बी की टर्म थी, आपको याद है ना, ये बी की वैल्यू है. नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ए माइनस बी. इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, अब ज़्यादा काम नहीं देते, ये चारों क्वेश्चन थोड़े से हैं, आपका होंगे कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज जरूरत नहीं, आप लोग एक दो बार इसी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा यही आपको एडवाइस है कि जब भी आप मैथ को के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें अपनी बुक पे, अपनी सॉरी होमवर्क वाली कॉपी में नोट डाउन करें, तो उससे पहले आप 2 टाइम्स मोस्टली 2-3 टाइम आप इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें, कुछ ना कुछ स्टेप्स आपके माइंड में रह जाएंगे इसके. तो आप लोग लेकिन बाद में जब कॉपीज़ ओपन करते हैं तो आप लोग एकदम से देखते हैं तो आप लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन साथ साथ आप प्रैक्टिस करके अपनी कॉपीज़ भी नीड करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा. न्यू चीज़ें हैं, न्यू टर्म्स हैं इसमें, न्यू कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लिया करें फिर अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लिया करें. तो इसके नेक्स्ट भी चल के आप जब इसके अकॉर्डिंग और इसमें जो स्टेप्स ऐड होंगे और फर्दर जो क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा. बैक वाले स्टेप्स आपको याद होंगे तो आप लोग नए स्टेप के अकॉर्डिंग न्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं. आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी. अब आप लोग टीचर का मशवरा माने, टीचर की बात सुने तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. मैं स्टूडेंट्स वैसे भी इंटेलिजेंट और आई होप कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.